दोस्तों पॉकेट बनाते समय ये लमड़ जाता है, फूला हुआ रहता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे फूला हुआ रहता है। और ये जो है ये कपड़ा खारा कपड़ा ना रहे, उरेब कपड़ा रहे लमड़ने वाला, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर उरेब कपड़ा रहे तो उसमें करना कुछ नहीं है, जो शॉर्ट के फैशन पट्टी में चिपकाते हैं वो इस तरीके से चिपका लेंगे तो वो खारा का काम करेगा, वो खारा बन जाएगा परफेक्ट, उसके बाद बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको बनाने का जो है बेस्ट फॉर्मूला है ये है कि ये देखिए ठीक है, ये सीधा है और ये क्या है उल्टा है, और ये देखिए ये क्या है उल्टा है और ये सीधा है, तो करना कुछ नहीं है, उल्टे से उल्टे इस तरीके से चिपका देना है। ये देखिए उल्टा से उल्टा इस तरीके से इसको चिपका देंगे सेम कपड़ों में, जो दूसरा कपड़ा जोड़ के बनता है उसका कुछ और फॉर्मूला है ये देखिए ठीक है। तो जो दूसरा कपड़ा चिपक के बनता है तो सेम ऐसे ही बनता है, इस साइड जो है उसका लगा हुआ रहता है जाती लगे या जोर लगे। अब इसको यहाँ से इस तरीके से हल्का स्टिच करके रोक देना है, रोकने के बाद ये देखिए ये तो हल्का ये तो उड़े भाई ये लमड़ेगा ठीक है, तो इसको इसी तरीके से रहने देना है। और ये जो कपड़ा है ना इसको इस तरीके से टाइट कर लेंगे, ऐसे 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 हल्का टाइट कर लेंगे और टाइट करके यहाँ इस तरीके से रख लेंगे और फिर सिलाई कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा इसी तरीके से सिलाई कर दिए, इसके बाद यहाँ से एक पैर का कपड़ा छोड़ के इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये जो फुचरा है फुचरा को इस तरीके से अंदर की ओर ढकेल देना है, ये देखिए ठीक है, और इसको इस तरीके से हल्का नाखून लगा देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट क्या हुआ, नाखून लग गया बैठ गया। अब इसको जितना चौड़ा पाइपिंग चाहिए उतना चौड़ा इस तरीके से फोल्ड इसमें से ये देखिए कर लिए ठीक है, जितना चौड़ा चाहिए उतना चौड़ा फोल्ड करके इस तरीके से, और इसके ऊपर लपका सिलाई एक लगा देंगे। और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये हो चुका है, और सेम इसी तरीके से बनाए 12 ही बेस्ट बनेगा। तो इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आरा जो है, अगर आरा कपड़ा में भी अगर पेस्टिंग चिपका लिया फैशन पट्टी में जो शॉर्ट में ये चिपकता है तो लमड़ेगा नहीं ठीक है, तो वैसे बनाइएगा पॉकेट नहीं फूलेगा। और खारा है तो किस तरीके से बनाना है वो हर फॉर्मूला यूज़ करना है ठीक है, क्योंकि लमड़ने वाला हल्का ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हल्का टाइट कर लेंगे। तो मैंने जो तरीका बताया है कैसा लगा, इसलिए मैं छोटे से छोटे जानकारी को बारीकी से देता हूँ कि नए लोग को कभी मिस ना हो और अच्छा तरीका से अच्छे से वो सीख पाए, या जो पहले उससे काम कर रहे हैं बहुत पुराना है और ये सब तरीका मालूम नहीं तो उनको भी मालूम हो जाए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इतना ही बारीकी बारीकी से जानकारी लेने के लिए और सिलाई सीखने के लिए। आई होप आने वाला समय जो है इस पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग और अच्छा अच्छा डिज़ाइन आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसलिए डिज़ाइन नहीं बता रहा हूँ, टाइम मिलते हैं डिज़ाइन बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो।